गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई मनाली से चेकआउट कर लिया है सवेरे 7:30 बजे। 7 बजे का टारगेट था, आधा घंटा लेट है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, छुट्टी का दिन है, भीड़ शायद मिलेगी नहीं। तो अभी हम रुके थे रात को होटल पैरामाउंट इन में। अब इन खूबसूरत वादियों को अलविदा कहने का समय आ गया दोस्तों। अब हम यहाँ से ठंडे प्रदेश से जा रहे हैं राजस्थान, गर्म प्रदेश एकदम गर्मी में, और ये आखिरी नज़ारे देख ले भाई थोड़ी देर। आहा, बहुत ही सुंदर। ये जो भाई सड़क के साथ साथ नदी बह रही है, ये है ब्यास नदी, ऊपर थी चिनाब और ये है ब्यास। पानी तो बहुत ही थोड़ा है और सामने चोटी पे हल्की सी बर्फ, बर्फ की आखिरी झलक भाई। बस अब यहाँ से निकलने ही वाले हैं। बर्फ के पहाड़ से भाई अब आ गए हम सूखे सूखे पहाड़ों पर, दोनों तरफ एकदम। ये तो पहाड़ काट के रोड बनाई हुई है और इधर पूरे ग्रीन वाले पहाड़ हैं, बर्फ का नामो निशान गायब हो गया भाई। टेम्परेचर गाड़ी ने 10-11 डिग्री दिखाना शुरू कर दिया है और अब थोड़ी देर में जैकेट वैकेट सब उतारने पड़ेंगे। ये भाई टनल का काम चल रहा है, ये टनल बन रही है बहुत ही लंबी, मतलब इसमें कितने 10 या 11 पॉइंट्स आए थे जो हमने देखे थे आते वक्त। आते वक्त तो जल्दी में थे इसलिए बनाया नहीं वीडियो। ये पूरा यहाँ से लेकर मंडी तक की कनेक्टिविटी है, बहुत ही शानदार कनेक्टिविटी हो जाएगी भाई आने वाले टाइम में। वो जो टनल की ओपनिंग उधर दिखाई दी थी उसका दूसरा एंड इधर है और ये ऊपर ऊपर एलिवेटेड रोड बन रही है पूरी। ये पूरी एलिवेटेड रोड है और जब ये चालू हो जाएगी तो जो जाम की समस्या है और टाइम जो है वो और कम लगा करेगा भाई। और देखो ये एक ओपनिंग और है, ये भी अभी काम चल ही रहा है भाई अभी तो, और हम जा रहे हैं अभी यहाँ से। ये जा रही भाई सीधा टनल टू टनल कनेक्टिविटी। भाई जैकेट वैकेट उतार दी, बहुत जबरदस्त गर्मी हो रही थी। बड़ी देर से सोच रहे थे कोई वो आए ढाबा वाबा जहाँ रुके तो चाय भी पिए, नाश्ता करें और जैकेट वैकेट उतारें, और अब तो भाई एसी चल जाएगा और 5-7 मिनट में। तो अभी यहाँ पे रुकते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर निकलते हैं आगे। भाई गाड़ी में ये 22 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है बाहर का, अब थोड़ा बहुत इससे ज्यादा ही होगा। और अभी हम आए हैं -14-15 से 22-23 पर तो आ गए, मतलब वहाँ तो कुल्फी जम रही थी, पानी जम रहा था नलों में, पानी था ही नहीं नलों में। और यहाँ पे भाई गर्मी, और बस सुंदरनगर क्रॉस किया है, नाश्ता वास्ता कर लिया है और अब गाड़ी में एसी चल जाएगा और बस अब आने वाले कुछ महीने ऐसे ही बीतेंगे भाई गर्मी में ही। राजस्थान की गर्मी झेलनी पड़ेगी भाई। गाड़ी में एसी चलाई दिया फाइनली, 25 डिग्री टेम्परेचर हो गया है और अभी राघव भैया जा रहे हैं बन वाले, जो बन के अंदर भर के छोले देता है ना वो वाला भैया मिला है। सीधा तो चला गया भाई चंडीगढ़, पुलिस वाला खड़ा है और ये हमारे को यहाँ से लेकर जा रहा है नीचे। तो ये रास्ता जा रहा है पिंजौर और वो जीरकपुर होते हुए, और जो सीधे वाला था वो आ रहा था चंडीगढ़ से। तो हम आए तो उससे थे, अब जा हम इससे रहे क्योंकि ये छोटा बता रहा है, मतलब 10-15 मिनट का फर्क दिखा रहा है इसमें से। ये आ गया बद्दी और पिंजौर, हाँ ये रूट है जिससे हम पहले आए थे, जब अर्पित के साथ आए थे तब यहाँ से आए थे। भाई 3:30 बजे लंच करने रुके हैं, सेठी जीरकपुर क्रॉस कर लिया है और सेठी पे रुके हैं लंच करके, फिर यहाँ से निकलेंगे आगे दिल्ली के लिए। और अभी जिन लोगों से बात करी है इसूजु का काम कराने के लिए ना, कल की तो लगभग सबकी छुट्टी है क्योंकि कल भी बुलंडी रहेगी, तो कल की छुट्टी है और देखते हैं परसों का अगर शेड्यूल बनता तो एक दिन रुक के फिर अपना इसूजु का जो बेड लाइनर लगवाना है वो सब करके तब जाएंगे जयपुर। तो आज लंच में हमने मंगाया भाई दाल फ्राई, अच्छा, और पनीर बटर मसाला और रोटी। थोड़ी को ढंग से खा ले भाई। भाई खाना तो बहुत बढ़िया था और इस ढाबे का एक प्लस पॉइंट है कि इसमें आप बाहर का खाना लाके खाओ तो उसके लिए भी ऑब्जेक्शन नहीं है। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, अच्छे अच्छे कोट्स लिखे हुए हैं, माहौल बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है, रीजनेबल प्राइस के ऊपर है। तो भाई मेरी तरफ से तो मतलब बहुत ही बढ़िया। ये भाई एक इसूजु और जा रही है, भाई ने क्या शानदार स्टिकर्स लगा रखे हैं, गाड़ी बढ़िया शानदार सजा रखी है। लेकिन इसने भी पीछे कवर करा रखा है, हाँ कवर तो करा रखा है भाई, कवर तो करा रखा है। हाँ भाई दिल्ली में एंट्री कर ली है अपन ने, एंट्री किया तो थोड़ा सा टाइम हो गया और ये थोड़ा थोड़ा जाम भी मिलना शुरू हो गया। आज होली है, छुट्टी है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी भीड़ तो है ही, जस्टिफाइड भीड़ है खैर दिल्ली के हिसाब से तो, बहुत ज़्यादा नहीं है। भाई
पहुंच गए थे दिल्ली परसों। कल थी धुलेंडी, धुलेंडी मतलब होली अपन खेलते नहीं है, तो कल घर पे आराम किया। अभी जा रहे हैं भीमरा, भीमरा पे जाके जो भी इसमें एसेसरीज लगानी है, बेड लाइनर तो शायद रेडी स्टॉक होगा, तो बेड लाइनर तो अभी लगवा ही लेंगे एंड टू एंड। बाकी जो भी अपने को लगवाना है उसको फाइनलाइज करेंगे, उसका ऑर्डर प्लेस कर कर आएंगे अगर सब ठीक रहा तो। मिलेगी भाई दिल्ली की भीड़, ज़बरदस्त वाली भीड़, आदत है नहीं अपने को उस भीड़ की। देखते हैं, निकल रहे हैं घर से, 9:30-10:30 हो गए। ये भाई इसमें देखो पूरा लाल है और सामने तो दूर दूर तक जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, जाम पड़ा है पूरा। आज तो जस्ट मतलब होली से अगला दिन है, 100% लोग काम पे भी नहीं जा रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने छुट्टी ले रखी होगी। रोज का यही रहता होगा भाई, जिनको ऑफिस जाना है उनके लिए तो रोज का ही टॉर्चर ही है। तो भाई अभी आज फिलहाल अपन लगा रहे हैं बेड लाइनर इसका, बाकी चीज़ों का ऑर्डर प्लेस कर जाएंगे। और दो टूर अपन ने मार लिए बिना लाइनर के, उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा जो पेंट है ना, ये देखो ये थोड़ा सा डैमेज हो गया। खैर ऊपर से लाइनर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। भीमरा की हाइलक्स ये देखो बढ़िया शानदार तैयार कर रखी है, आगे आगे गाड़ी है, पूरा ऑफ रोड बम्पर वगैरह सब लगा रखा है। तो लाइनर तो भाई अपन ने भीमरा से लगवा दिया, अभी अपन आए हैं लोहित भाई की दुकान पे, दो काम और करा रहा हूँ फिलहाल मैं, एक हॉर्न चेंज करा रहा हूँ और एक फ्लैशर लाइट लगा रहा हूँ। बाकी वाइजर्स वगैरह शायद अभी अवेलेबल नहीं होंगे, तो जितना काम होता उतना तो फिलहाल करा लें, फिर नेक्स्ट राउंड में बाकी के काम कराएंगे। तो भाई लोहित भाई के यहाँ से हमने करा लिया, तीन काम करा लिए, हॉर्न चेंज करा लिया, एक फ्लैशर लगा लिया और ये साइड के कर्टन्स लगा लिए ताकि थोड़ा सा धूप से राहत मिले। अब जा रहे हैं घर, घर जाके सामान रखेंगे और फिर निकल जाएंगे जयपुर डायरेक्ट। तो इस बार गूगल ने हमारे को नया जो एक्सप्रेसवे बनाया सोना से मुंबई वाला जो बनाया है, वो दिखाया है कि शॉर्टेस्ट रूट जयपुर के लिए वही है, जो कि वैसे 30 किलोमीटर लंबा पड़ता है लेकिन आधा घंटा कम टाइम दिखा रहा था, तो हमने इस बार वही नया वाला रूट लिया है। हालांकि वो वाला एक्सप्रेसवे मेरा देखा हुआ है, बट दिल्ली से इस बार पहली बार उसको यूज करने जा रहे हैं। भाई क्या सुहाना मौसम हो गया है बारिश का, कपड़े भीग गए ना तो सारा सुहाना भीग गया। बस एक ही डर है, पीछे हमारे डाले पे हमारा सामान ना भीगे क्योंकि हम तिरपाल ढकना भूल गए हैं। तो भगवान हमारी रक्षा करो, हमारा सामान नहीं भीगो, नहीं तो ये जो लेडीज बैठी है ना ये वाले, ये जीना हराम कर देगी। तो भाई हम लोग चढ़ गए हैं मुंबई एक्सप्रेसवे पे, सोना से थोड़ा सा पहले ये एक लेफ्ट को लूप कटता है, उस लूप पे हम चढ़ गए हैं। अब ये घुमा के लेफ्ट ले जा रहा है, ये तो दिशा के हिसाब से तो वापस दिल्ली की तरफ होली हम, चलो जाएंगे तो खैर जयपुर ही दिल्ली कैसे जाएंगे। यहाँ पे भाई लेन गिनो आप, लेन कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेन है एक ही साइड में। और आगे किसकी मूर्ति लग रही है, ये आगे मूर्ति लग रही है भाई किसी की, ये लग रही है किसी की, तो शायद गांव में किसी की हो सकता है, या लोकल गांव में भी तो लोग लगा लेते हैं ना अपने किसी उनकी, पता नहीं भाई समझ। रेड रेड, अच्छा ट्रैफिक जाम दिखा रहा है इस रोड पे भी, ये क्या सीन है भाई, ये लाल कैसे आ रहा है। ये जो लेफ्ट में उतर गया, ये केएमपी पे चढ़ने के लिए जो नेशनल एक्सप्रेसवे 2 है उस पर उतर गया है, और ये सीधा जा रहा है मुंबई NE4 नेशनल एक्सप्रेसवे 4। बड़ा घूमने आए हुए हैं और यहाँ पे ये लाल दिखा रहा था लेकिन एक्चुअल में तो नहीं है, और पीला भी दिखा रहा है बट यहाँ तो कोई ट्रैफिक नहीं है, पता नहीं भाई गूगल को क्या हो गया। भाई बारिश हो गई है बहुत तेज और वैसे ही टेंशन बढ़ती जा रही है कि पीछे के सामान का हमारा क्या होगा। राजा पीछे क्या हो रहा है बेटा, भाई कल शाम को आ गया था दिल्ली से, लगभग कल 3.5 घंटे में ही पहुंच गया नए वाले रूट से जो आया था सोना वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, उससे टोल लगा पहले सोना वाले पे 115 रुपये, फिर 395 रुपये टोल लगा इस मुंबई एक्सप्रेस वे पे, और फिर लास्ट में 75 रुपये टोल लगा अपना आगरा रोड वाला। आगरा रोड वाला जो टोल है ना वो थोड़ा सा दुखा भाई, क्योंकि 75 रुपये वर्थ नहीं है भंडारेज पे उतरने के बाद, और दौसा पे वो टोल है तो अपन ने उस रोड को बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया, और उस टोल पे हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है, मतलब कुछ ना कुछ जाम की स्थिति बनी रहती है, कभी उनके सिस्टम नहीं चलते कभी कुछ और। तो भाई इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, और आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं आपको जल्दी किसी अगले व्लॉग में, टिल देन गुड बाय।